एक बार सुनुआ में इस प्रकार से अटैक हुआ था, तब मैंने विधानसभा स्पीकर के नाते भी जब वहाँ पर बोला था तो वही तो हमारे विरोधियों को तकलीफ हुई थी। सच ये है दीवारों के साथ सटे आर्मी कैंप के साथ किन लोगों ने इनकी कॉलोनियाँ बसाई, कौन लोग इनके समर्थक हैं, किन लोगों ने इनके वोटरों की जांच की जाइए, जल्द दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और इस पर सख्ती से राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर के सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हमें POK नहीं चाहिए, हमें बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक चाहिए जिसमें तमाम आतंकी ठिकाने जो हमारी सीमाओं से सटे हुए आतंकी ठिकाने पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए उसको ध्वस्त कीजिए, बाद में POK की। देखिए मुझे लगता है सेना की रणनीति पर हम सिर्फ बात नहीं कर सकते हैं, करना जिन्हों कहते हैं ना कविंदर जी कि ये भारत सरकार वो सरकार है जिन्होंने फ्री हैंड दिया है इंडियन आर्मी को, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की नारा दिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि जो सीमाओं पर सेना लड़ती है और पीछे इच्छा शक्ति रहती है, इच्छा शक्ति ठीक है लेकिन सेनाएं कई बार ऐसा नहीं होता, युद्ध में किसी का पासा भारी भी हो सकता है, तो जल्द ही इसका जवाब। कश्मीर में आप लोग कहते हैं कि बदलाव हो चुका है लेकिन आतंकी घटनाएं जो मुझ संभाग में बड़ी हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, केंद्र सरकार के आंकड़े गलत हैं या सच्चाई कुछ हो? देखिए ये एक ओल्ड वार है, पाकिस्तान हमारे से सीधे तरीके से तो जीत नहीं सका, बहुत सी जंगें हुई लेकिन आज भी ये मानना चाहिए वो हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम तो लगी है, पत्थरबाजी बंद हुई है, जमायत हुर्रियत जैसे संगठनों को बंद हुई है, रोज़मर्रा के जो बंद होते हैं वो ख़त्म हो गए, पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते हैं, मस्जिदों से ऐलान नहीं होते हैं पूरा साल होता है, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि घटनाएं हुई हैं। विरोधियों ने ये अपने जो दुश्मन ने अपनी रणनीति बदली है तो उसके कारण से आज जो सरकार कर रही है ओवरग्राउंड वर्कर्स अंडरग्राउंड वर्कर्स जो समर्थन करते हैं आतंकवाद का उनको चिन्हित और करने की जरूरत है। पहले भी सरकार ने मापदंड लिए है, बहुत लोगों को नौकरी से निकाला है और बहुत से लोगों को मार भी गिराया है, लेकिन आज पुंछ रजौरी में आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए और ज़्यादा मापदंड अपनाने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्यास का एक अलग किरदार है जिसको निकालने के लिए गृहमंत्री लगातार सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं, कभी NRC कभी CA का जिक्र करते रहे हैं, आज जम्मू से भी आवाज़ ऐसी ही उठ रही है कि रोहिंग्यास का किरदार है ओवरग्राउंड वर्कर्स का है, तो उन पर कैसे लगाम लगा? देखिए जब एक बार सुनुआ में इस प्रकार से अटैक हुआ था तब मैंने विधानसभा स्पीकर के नाते भी जब वहाँ पर बोला था तो वही तो हमारे विरोधियों को तकलीफ हुई थी। सच ये है दीवारों के साथ सटे आर्मी कैंप के साथ किन लोगों ने इनकी कॉलोनियाँ बसाई, कौन लोग इनके समर्थक हैं, किन लोगों ने इनके वोटरों की जांच की जाइए, जल्द दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और इस पर सख्ती से राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर के सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हमें POK नहीं चाहिए, हमें बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक चाहिए जिसमें तमाम आतंकी ठिकाने जो हमारी सीमाओं से सटे हुए आतंकी ठिकाने पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए उसको ध्वस्त कीजिए, बाद में POK की। देखिए मुझे लगता है सेना की रणनीति पर हम सिर्फ बात नहीं कर सकते हैं, करना कहते हैं ना कविंदर जी कि ये भारत सरकार वो सरकार है जिन्होंने फ्री हैंड दिया है इंडियन आर्मी को, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की नारा दिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि जो सीमाओं पर सेना लड़ती है और पीछे इच्छा शक्ति रहती है, इच्छा शक्ति ठीक है लेकिन सेनाएं कई बार ऐसा नहीं होता, युद्ध में किसी का पासा भारी भी हो सकता है, तो जल्द ही इसका जवाब दिया जाएगा।